हाय दोस्तों, मैं प्रयागराज शर्मा। मैं आज बात करूंगा लाइम ट्रीटेड सॉइल इम्प्रूव्ड सबग्रेड सब बेस पार्ट फर्स्ट के बारे में। दोस्तों, तो आप देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे के सेक्शन 400 में जाएंगे आप, तो उसमें लिखा हुआ है कि लाइम ट्रीटेड सॉइल फॉर इम्प्रूव्ड सबग्रेड एंड सब बेस, क्लॉज 402 में लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो सबग्रेड होता है और जो सब बेस होता है उसको इम्प्रूव्ड करने के लिए, यदि वहाँ की सॉइल वीक है तो उसको इम्प्रूव्ड करने के लिए हमको उसको ट्रीटेड करने के लिए, उसका उपचार करने के लिए हम उसमें लाइम मिलाकर उसका उपचार जो करते हैं, तो उसके बारे में आज इसमें मैं बताऊंगा कि किस तरह से ये कार्य किया जाता है। कहीं भी यदि रोड का निर्माण होता है तो उसमें किस तरह से इस कार्य को किया जाता है। तो इसके बाद आप देखेंगे क्लॉज 402.1 में दोस्तों, तो इसमें लिखा हुआ है कि दिस वर्क सेल कंसिस्ट ऑफ लेइंग एंड कॉम्पैक्टिंग एन अप्रूव्ड सबग्रेड लोअर सब बेस ऑफ सॉइल ट्रीटेड विथ लाइम ऑन प्रिपेयर्ड सबग्रेड इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दीज स्पेसिफिकेशंस एंड इन कन्फॉर्मिटी विद द लाइंस ग्रेड्स एंड क्रॉस सेक्शंस शोन ऑन द ड्राइंग्स आर एज डायरेक्टेड बाय द इंजीनियर। लाइम ट्रीटमेंट इज जनरली इफेक्टिव फॉर सॉइल्स विच कंटेन ए रिलेटिवली हाई परसेंटेज ऑफ क्ले एंड सिल्ट क्ले। तो दोस्तों, इसमें कहा गया है कि इस कार्य में इन विशेषताओं की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार सबग्रेड पर चूने से उपचारित मिट्टी के एक उन्नत सबग्रेड या लोअर सब बेस को बिछाना या उसे कंपैक्शन करना शामिल होगा। तो यदि कोई भी ऐसी मिट्टी है जो उपश्रेणी में आती है तो उसको उपचार करने के लिए, उसको अच्छा बनाने के लिए, उसमें यदि हम लाइम का पाउडर मिलाकर उसको कंपैक्शन करना और सबग्रेड और सब बेस को अच्छे से इम्प्रूव करना, उस लेयर को अच्छे से बनाना या कंपैक्शन करना उसको बनाकर, तो ये सब कुछ इसमें शामिल होगा, इसमें लाइम ट्रीटेड सॉइल फॉर इम्प्रूव्ड सब ग्रेड सब बेस में। इसके बाद दोस्तों, इसमें दिखाए गए लाइनों ग्रेड्स क्रॉस सेक्शन के अनुरूप जो भी ड्राइंग्स में दिखाया गया है, लाइन ग्रेड क्रॉस सेक्शंस और लेबल्स किस तरह से लेना है, उसके अनुरूप ही इंजीनियर द्वारा निर्देश भी दिए जाएंगे और इंजीनियर द्वारा ही निर्देशित किया जाएगा कि इस तरह से हमको ट्रीटमेंट करना है रोड में। इसके बाद इसमें चूने का उपचार जो हम करेंगे तो आमतौर पर उस मिट्टी के लिए प्रभावी होता है जिसमें मिट्टी और सिल्टी मिट्टी का प्रतिशत अपेक्षाकृत अधिक होता है, जिसमें क्ले और सिल्टी क्ले जो रहता है हाई परसेंटेज रहते हैं। तो ऐसे मिट्टी में हमको लाइम ट्रीटमेंट करना है और उसको इम्प्रूव करना है और इसके बाद उसका जो है यूज हमको साइट पे करना है दोस्तों। तो इसके बारे में इसमें डिटेल्स दी हुई हैं। इसके बाद इसमें बताया गया जो मटेरियल्स के बारे में बताया कि हम मटेरियल्स कौन कौन सा लेते हैं और कौन कौन सा मटेरियल इसमें यूज करते हैं। तो इसमें पहला बताया गया है क्लॉज 402.2.1 में सॉइल। इसमें कहा गया है कि एक्सपेक्ट वेन अदरवाइज स्पेसिफाइड द सॉइल यूज्ड फॉर स्टेबलाइजेशन शैल बी द लोकल क्ले सॉइल हैविंग ए प्लास्टिसिटी इंडेक्स ग्रेटर देन 8। तो दोस्तों, इसमें कहा गया है कि जब तक या अन्यथा निर्दिष्ट ना हो, मतलब जब तक इसमें कहा ना जाए, स्पेसिफाइड ना हो, स्थिरीकरण के लिए मतलब स्टेबलाइजेशन के लिए उपयोग की जाने वाली मिट्टी स्थानीय मिट्टी की मिट्टी होगी जिसका प्लास्टिसिटी इंडेक्स 8 से अधिक हो, जिसमें जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स हम निकालते हैं और लिक्विड में निकालते हैं, तो जिसमें इसमें क्या है हमको प्लास्टिसिटी इंडेक्स देखना है। यदि उसका प्लास्टिसिटी ग्रेटर देन 8 है तो ऐसी लोकल वाली मिट्टी जो है वो क्ले सॉइल वो उसका जो है इसमें यूज करेंगे, उसको लेंगे। स्थानीय मिट्टी होना चाहिए, लोकल मिट्टी होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, इसमें आप देखेंगे क्लॉज 402.2.2 में तो लाइम, इसमें लाइम भी हम मिक्स करते हैं इस मटेरियल में, तो लाइम की जो मात्रा रहेगी तो उसके बारे में इसमें बताया गया है डिटेल्स कि इसमें कहा गया कि लाइम फॉर लाइम सॉइल स्टेबलाइजेशन वर्क सेल भी कमर्शियल ड्राई लाइम सेलेक्ट एट साइट और प्री सेलेक्ट लाइम डिलीवर्ड टू दी साइट इन सुटेबल पैकिंग अनलेस अदरवाइज परमिटेड बाय द इंजीनियर दी लाइम सेल है प्योरिटी ऑफ नॉट लेस देन 70% बाई वेट ऑफ क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड वेन टेस्टेड इन अकॉर्डेंस विथ IS 1514। लाइम सेल भी प्रॉपरली स्टोर टू अवॉइड प्रोलोंग्ड एक्सपोजर टू दी एटमोसफियर एंड कंसिक्वेंट कार्बोनेशन विथ
विच वुड रिड्यूस इट्स बाइंडिंग प्रॉपर्टीज। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि चूना मिट्टी जो है स्टेबलाइजेशन वर्क के लिए लाइम साइट पर जो व्यापारिक सूक्ष्म चूना होता है जो जिसको मतलब जिसको बेचा जाता है ऐसा जो लाइम रहता है स्लैग्ड लाइम रहता है ड्राई लाइम जो रहता है सूखा वाला चूना तो या उपयुक्त पैकिंग में साइट पर पूर्व स्लैग्ड चूना दिया जाएगा या जब तक इंजीनियर द्वारा कोई भी अनुमति नहीं दी जाए तो तब तक हमको कोई भी ऐसा लाइम्स यूज नहीं करना है। इंजीनियर की अनुमति के बाद ही हमको लाइम्स जो है वो यूज करना है। और IS 1514 के अनुसार आप 1514 के अनुसार परीक्षण किए जाएंगे जाने पर जो टेस्ट किए जाने पर चूने की शुद्धता कम से कम 70% क्यूक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड के वजन से होनी चाहिए। इसमें जो कैल्शियम ऑक्साइड रहेगा वो 70% तक उसमें चूने में होना चाहिए जब उसमें टेस्ट किया जाए तो इसके बारे में दोस्तों इसमें बताया गया है। और कहा गया कि वातावरण में लंबे समय तक रखने और परिणाम स्वरूप कार्बोनेशन से बचने के लिए चूने को ठीक से संग्रहित किया जाना चाहिए जिससे कि इसके बाध्यकारी गुण कम हो जाएं जो भी इसके बाध्यकारी गुण है वो कम हो जाएं। तो इस प्रकार से इसमें परिणाम स्वरूप कार्बोनेशन से बचने के लिए ठीक चूने को ठीक से संग्रहित किया जाना चाहिए इकट्ठा किया जाना चाहिए और उसका यूज किया जाना चाहिए तो इसके बारे में दोस्तों इसमें बताया गया। इसके बाद इसमें कहा गया है कि जो हम क्वांटिटी ऑफ लाइम इन स्टेबलाइजेशन मिक्स कि हम कितना क्वांटिटी में हम स्टेबलाइजेशन में इसमें चूना जो है मिक्स कर सकते हैं तो इसमें आप देखेंगे तो लिखा हुआ है क्लॉज 402.2.3 में क्वांटिटी ऑफ लाइम टू बी एडेड एज परसेंटेज बाई वेट ऑफ ड्राई सॉइल सेल बी एज स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट द क्वांटिटी ऑफ लाइम यूज सेल बी रिलेटेड टू इट्स कैल्शियम ऑक्साइड content which shall be specified where the lime of different calcium oxide content is to be used its quantity shall be suitably adjusted with the approval of the engineer so that equivalent calcium oxide is incorporated in the work the mix design shall be done to arrive at the appropriate quantity of lime to be added having due regard to the purity of lime the type of soil the moisture density relationship and the design CBR unconfined compressive strength UCS value specified in the contract the laboratory CBR UCS value shall be at least 1.5 times the minimum field value of CBR UCS is stipulated in the contract तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि जो चूने की मात्रा रहेगी वो हम कितना मिक्स करेंगे स्टेबलाइजेशन मिक्स में तो उसमें जो सूखी मिट्टी के वजन के अनुसार प्रतिशत के रूप में मिलाने के लिए चूने की मात्रा कॉन्ट्रैक्ट में निर्दिष्ट के अनुसार होगी जितना कॉन्ट्रैक्ट में दिया गया है उसके अनुसार ही उसकी मात्रा जो है उसमें मिट्टी में सूखी हुई मिट्टी में मिक्स किया जाएगा और उपयोग किए गए चूने की मात्रा उसके कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा से संबंधित होगी जिसे भी निर्दिष्ट किया जाएगा जहाँ विभिन्न कैल्शियम ऑक्साइड सामग्री के चूने का उपयोग किया जाना है इसकी मात्रा को इंजीनियर के अनुमोदन से उपयुक्त रूप से समायोजित किया जाएगा जब तक जो इंजीनियर रहेगा वहाँ तो जब अप्रूवल देगा कि हमको ये वाले जो है लाइम्स का यूज करना है तभी उसका यूज साइट पे किया जाएगा। इसके बाद ताकि कार्य में समकक्ष कैल्शियम ऑक्साइड शामिल किया जा सके और चूने की शुद्धता मिट्टी के प्रकार और जो मॉइस्चर डेंसिटी है रिलेटिव मॉइस्चर डेंसिटी और डिजाइन CBR अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो को मानकर को ध्यान में रखा जाएगा रखते हुए मिलाए जाने वाले चूने की उचित मात्रा पर पहुंचने के लिए इसमें मिक्स डिजाइन किया जाएगा और अनुबद्ध में जैसा भी कॉन्ट्रैक्ट में दिया गया है उसके हिसाब से इसमें इसके लाइम्स के साथ इसमें UCS डिजाइन करके अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालकर उसका मिक्स डिजाइन किया जाएगा और मिक्स डिजाइन करने के बाद ही साइट पर प्रयोग किया जाएगा और प्रयोगशाला में CBR UCS वैल्यू मूल्य जो है उसमें कॉन्ट्रैक्ट में निर्धारित CBR UCS के न्यूनतम क्षेत्र मूल्य का कम से कम 1.5 गुना होगा तो जितना भी कॉन्ट्रैक्ट में दिया हुआ है दोस्तों तो उसमें जो है उसका 1.5 गुना CBR हमको चाहिए प्रयोगशाला में जब भी हम CBR निकालेंगे लेबोरेटरी में तो उसमें एटलीस्ट 1.5 टाइम्स जो है वो मिनिमम फील्ड वैल्यू जो है उसकी आनी चाहिए तो इसके बारे में इसमें डिटेल्स दिया हुआ है दोस्तों। इसमें इसके बाद हम जो वाटर ऐड करेंगे तो वाटर के बारे में इसमें बताया गया कि वाटर हमको कितना लेना है और कितना इसमें यूज करना है
कैसा वाटर लेना है और किस तरह से इसमें मिक्स करना है, तो इसके बारे में आप दोस्तों देखेंगे क्लॉज 402.2.4 में। तो वाटर टू बी यूज्ड फॉर लाइम स्टेबलाइजेशन शैल बी क्लीन एंड फ्री फ्रॉम इंजरियस सबस्टेंसेस, पोर्टेबल वाटर शैल बी यूज्ड। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि चूने के स्टेबलाइजेशन के लिए उपयोग किए जाने वाला पानी जो है वो क्लीन, स्वस्थ और हानिकारक पदार्थों से मुक्त होना चाहिए। इंजीरियस सब्सटेंस जो रहते हैं उसमें वाटर में, तो उन सभी हानिकारक पदार्थों से मुक्त होना चाहिए और पीने योग्य पानी का उपयोग करना चाहिए। इसमें जो है ऐसा पानी होना चाहिए जो पीने वाला पानी होता है, इस तरह का पानी हमको यूज करना है लाइम स्टेबलाइजेशन में। सॉइल को इम्प्रूव करने के लिए जो हम लाइम में वाटर मिलाएंगे तो वो ऐसा वाटर रहेगा जिसमें कोई भी हानिकारक, कोई भी इंजीरियस सब्सटेंस नहीं हो, तो और क्लीन हो, फ्री हो ये सभी चीज़ों से। तो पोर्टेबल वाटर ही हमको यूज करना है, पीने योग्य पानी हमको साइड पे यूज करना है लाइम और सॉइल के साथ। तो इसके बारे में इसमें डिटेल्स दी गई है दोस्तों। तो इसके बारे में दोस्तों जैसा कि इसमें बताया गया है कि इंडियन स्टैंडर्ड 1514 का यूज करके ही हम जो है लाइम ट्रीटेड सॉइल फॉर इम्प्रूव्ड सबग्रेड सब बेस में बना सकते हैं। उसमें जैसा कि IS कोड में दिया हुआ है, तो उसमें जो भी डिटेल्स हैं उनका यूज करके भी हम इसमें लाइम ट्रीटेड सॉइल बना सकते हैं। तो इस प्रकार से इसमें जो भी मटेरियल्स हम यूज करेंगे तो उसके बारे में पूरी डिटेल्स दी हुई है। और भी जो इसके बारे में दोस्तों जानकारी है वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। इसमें बहुत सारी जानकारी है अभी जो हमको आपको बताना है। तो इस प्रकार से इसमें जो डिटेल्स दी हुई है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे में, जिसको हम मूर्त बोलते हैं, वो आप सेक्शन 400 में जाएंगे तो उसमें पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी कि हमको सब बेस और सब ग्रेड को ट्रीट ग्रुप करने के लिए लाइम ट्रीटेड सॉइल किस तरह से बना सकते हैं, उसके बारे में पूरी डिटेल्स दी हुई है।